यूपी एसटीएफ की कानपुर यूनिट ने ठगी के बड़े मामले का खुलासा किया है। एसटीएफ ने सेना के एक फर्जी जेसीओ को गिरफ्तार किया। आरोपी सेना का भगोड़ा जवान है और अब सेना में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगार युवकों से पैसा ठगता है। आरोप है कि आलोक अवस्थी अभी तक 150 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी के पास से सेना का आईडी कार्ड, कैंटीन कार्ड, एक कार समेत कई ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भर्ती के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। एसटीएफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस और साथ में कैंट पुलिस, इन सब लोगों ने मिलकर के बड़ा अच्छा काम किया, उसको गिरफ्तार किया है। कोशिश की जा रही है कि उससे वो सब पैसों की रिकवरी की जाए और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सेना का एक भगोड़ा जवान अपने आप को जेसीओ बताता था, युवाओं को सेना में भर्ती कराने के नाम का झांसा देता था और अब तक बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की ठगी ये शख्स कर चुका है। एक कार भी इसके पास से बरामद की गई है जिस पर आर्मी लिखा हुआ है। खुद को ये सेना का जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशनड ऑफिसर बताता था, जिसमें नायब सूबेदार और सूबेदार स्तर के अधिकारी आते हैं और खुद को जेसीओ बताता था, हालांकि खुद सेना का भगोड़ा जवान है। और ऐसे में कई युवा इसके झांसे में आकर इसको मोटी रकम दिया करते थे भर्ती होने के नाम पर। अब तक करोड़ों की ठगी ये शख्स कर चुका है, हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। लोमस जीमीडिया संवाददाता लखनऊ से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, सेना में कभी रहा भी है ये शख्स, कोई वास्ता रहा भी है इसका, और दूसरी बात, ये युवाओं को कैसे फंसाता था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो शख्स ये पकड़ा गया है, ये काफी दिनों से जो ऐसे लोग, जो युवक हैं, जो जिनको नौकरी की तलाश थी, उनको ये अपने घेरे में डालता था। और साथ ही आपको बता दें, 150 से ज़्यादा लोगों को ये अपने जो ठगी का शिकार बना चुका है, करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। और एसटीएफ ने एसटीएफ लगातार इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और एसटीएफ ने अब जा करके इसको पकड़ा है। कानपुर से बताया जा रहा है कि पकड़ा गया है ये शख्स और लगातार एसटीएफ इसको तलाशने के काम कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सबूत सामने निकल के आ रहे थे, ये काफ़ी दिनों से एसटीएफ को धोखे में रखा हुआ था और एसटीएफ काफ़ी दिनों से इसकी रेकी करने में लगी थी। आज जाकर के यह शख्स पकड़ा गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा युवकों को ये अपने ठगी का शिकार बना चुका है। बताया जा रहा है कि अपने आप को जेसीओ बताता था, सेना में वो अपने आप को जेसीओ बताता है। और साथ ही इसके पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। लगातार एसटीएफ अभी इससे पूछताछ कर रही है और इसके दूसरे साथियों को भी तलाशने की कोशिश कर रही है। लोमस, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लोमस जी मीडिया संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे।